अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अबास तक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम आपको सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन का न्यू कनेक्शन के बारे में बताएंगे। इससे पहले जब हम अप्लाई करते थे तो इनके ऑफिस में जाना पड़ता था या आपको अपनी नज़दीकी ब्रांच के किसी भी एजेंट से रब्ता करना पड़ता था, ठीक हो गया। वो आपसे तकरीबन 2000 रुपये तक जो है आपसे चार्ज करता था, ठीक हो गया। फिर आपको जो है कंप्यूटराइज स्लिप बनाकर देता था तो अप्लाई होता था। आपके चक्कर अलग से लगते थे और आपको फीस जो है वो अलग से देनी पड़ती थी। वो गवर्नमेंट फीस तो खैर नहीं होती थी, वो खुद ही फीस अपने बना लेते हैं कि भाई इतनी फीस है, इतने चार्जेस हैं, ठीक हो गया। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए ना तो आपको दोस्तों कहीं चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही किसी को फीस देने की जरूरत है। ये बिल्कुल फ्री बिल्कुल तरीका है। इनकी जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक हो गया, फेक नहीं है। इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये सुई नॉर्थन गैस वालों की तरफ से इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, वही आपको बताऊंगा, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों इस प्रोसेस में आपके मैं आपको बता दूंगा तकरीबन 6 महीने लगते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। इस प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं जो अर्जेंट एप्लीकेशन होगी, ठीक हो गया। जो नॉर्मल हम देते हैं एप्लीकेशन उसमें तकरीबन 2 साल का 8 साल लगता है, वो भी इसी वेबसाइट से एप्लीकेशन दी जाएगी, इस तरीके से ही दी जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से आपको एक तो ये फायदा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठकर आप जो है एप्लीकेशन को दे सकते हैं। दूसरा जो है आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये देख लें, ठीक हो गया दोस्तों। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप इनके जो है मैं आपको मेन पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पर आपने जो है एप्लीकेशन अपनी देनी है, ठीक हो गया दोस्तों। ये इसका पेज का मेन पेज का जो लिंक है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर यहाँ से आप लिंक ओपन करेंगे तो डायरेक्ट जो है मेन पेज पे चले जाएंगे। ये देखें दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस शो हो रहा है, ये आपको सामने नजर आ रहा है। टू अप्लाई फॉर ए न्यू कनेक्शन क्लिक हेयर, ठीक हो गया। अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों मैं पहले एक बात आपको बताता चलूंगा, ये रिफ्रेश नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उसके बाद जो है आपको एक रिफ्रेश नंबर जो है शो होगा, वो आपने जो है नोट कर लेना है, अपने पास रखना है। जब भी आपको चाहिए आप यहाँ रिफ्रेश नंबर टाइप करेंगे अपना और ये जो है कैप्चा कोड जो है ये टाइप करेंगे, ठीक हो गया, फिर सबमिट कर देंगे तो आपको जो है आपकी एप्लीकेशन की जो भी मौजूदा सूरत हाल होगी, ठीक है, स्टेटस होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। आपका प्रोसेसर और प्रोसेस जो भी होगा ना आपके एप्लीकेशन का आपके सामने आ जाएगा। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो दोस्तों। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन न्यू कनेक्शन की किस तरह देनी है। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज शो ओपन हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ और उर्दू में भी लिखा, दरख्वास्त जमा कराने से पहले मदरजा ज़ैल उमूर का ख्याल रखें। यहाँ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपने जो है एप्लीकेशन किस तरह देनी है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों नेम ऑफ एप्लीकेंट जिसके नाम पर आपने दरख्वास्त देनी है, एप्लीकेशन देनी है, वहाँ उसका नाम जो है शिनाख्ती कार्ड वाला ओरिजिनल टाइप करें, ठीक हो गया। उसके बाद सन ऑफ, अगर आप सन ऑफ कर सकते हैं फादर ऑफ है या डॉटर ऑफ है, ठीक हो गया। अगर बेटी कर रही है तो डॉटर ऑफ लिखेगी, ठीक हो गया। यहाँ फिलहाल हम सन ऑफ है तो यहाँ आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। फादर का नाम टाइप करने के बाद यहाँ आप जो है अपना CNIC नंबर लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हमारा CNIC हो गया। यहाँ आप अगर PTCL फोन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपनी अगर जीमेल देना चाहते हैं, अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें जीमेल देना, ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल आप अपनी दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाता है हमारे सामने ऑप्शन मोबाइल नंबर का। ये आपके सामने दोस्तों मोबाइल नंबर, आपने अपना वो मोबाइल नंबर देना है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। और दूसरी एक बात का ये भी ख्याल रखना कि वो कन्वर्ट ना हो, किसी भी नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। अगर आप मोबलिंग का नंबर दे रहे हैं तो मोबलिंग पर ही हो। अगर आप टेलनर का, जोन का, किसी का भी दे रहे हैं, जिस नेटवर्क का भी दे रहे हैं वो उसी नेटवर्क पर रजिस्टर हो, ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ कि एड्रेस, एड्रेस आपने दोस्तों वो देना कि जो आपके जो मौजूदा एड्रेस है, ऐसा नहीं करना कि जो आपके शिनाख्ती कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपने देना है। आपने वो एड्रेस देना जो आपका मौजूदा है जहाँ पर जो है आपने गैस कनेक्शन जो है लगवाना है।
ठीक हो गया। अगर आप एक लाइन में कंप्लीट नहीं कर सकते एड्रेस, तो दो है, तीन है, चार, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये एक नीचे मेन चीज आ गई है, ये देखें नियरेस्ट कंज्यूमर नंबर। दोस्तों ये कंज्यूमर नंबर वो है, पहले हम जो है एप्लीकेशन में किसी भी हमसाए का, अपने का, साथ वाले का जो है गैस का बिल लगाते थे, ठीक हो गया दोस्तों। अब जो है वो बिल लगाने की तो जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जो है कंज्यूमर नंबर जो होता है हमसाए के बिल का, वो आपने कंज्यूमर नंबर जो है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ आप जो है अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, जो भी आपकी सिटी है यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जिला आपका जो भी है आप यहाँ से चूज करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटेल। दोस्तों इसको छोड़ दें, ये कुछ जरूरी नहीं है, ये हल्का वगैरह होता है, इसको छोड़ दें, रहने दें, इसको फिल नहीं करना। अब यहाँ नीचे उसके बाद ऑप्शन आ रहा है नेचुरल गैस रिक्वायर्ड फॉर किचन है, वाटर हीटिंग है, स्पेस हीटिंग है, ऑल ऑफ द। फिलहाल हम घर के लिए अगर लगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किचन ही है, उसके अलावा तो कहीं भी क्लिक नहीं हम करेंगे, फिलहाल किचन पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। इन केस दी प्रीमाइसिस इन इज नॉट ऑफ ओनर बाय, इसका दोस्तों मतलब है ये नीचे वाला ऑप्शन आ गया नेम ऑफ ओनर। अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन वो घर जिस पर आपने गैस का मीटर लगवाना है वो आपके नाम पर नहीं है या आपके वालिद के नाम पर है, तो जाहिर सी बात है अगर बेटा दरख्वास्त दे रहा है, आप मकान जो है वो आपके वालिद के जो है नाम पर है, तो यहाँ पर जो है आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे, ठीक हो गया। वालिद का नाम लिखने के बाद जो घर का ओनर है जिसके नाम की रजिस्ट्री है, ओनर का नाम लिखने के बाद यहाँ जो है उसका CNC नंबर आप टाइप कर देंगे, ठीक हो गया। जैसे ही हम टाइप करेंगे उसके बाद जो है इस जगह पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ आपसे वो पूछे अप टू 10 मरला, अबाव टू 10 मरला, ठीक हो गया। अगर आपका अबाव है तो आप अबाव पे क्लिक कर दें, अगर अप टू है तो अप टू पे कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो कैप्चा कोड आ जाएगा, ठीक हो गया। ये जो कैप्चा कोड है आपने जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आपको यहाँ पे समझ ना है कैप्चा कोड की, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चेंज हो जाएगा, जो आपको समझ में आ जाए वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। तो उस टाइप करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपने जो भी इंफॉर्मेशन जो है अपनी दर्ज की है ना यहाँ पे टाइप की है, उस सबको आपने तसल्ली से चेक कर लेना है, ठीक हो गया। चेक करने के बाद जो है फिर आपने यहाँ पे सबमिट पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कंज्यूमर नंबर आपके सामने एक शो होगा, वो आपने नोट कर लेना है, ठीक हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप वहां से जो है वो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया रेफरेंस नंबर वहां पे टाइप करेंगे, कैप्चा कोड करेंगे, तो फिर आपको जो है आपकी एप्लीकेशन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब तरीका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का।